मेहनत का फल केवल पठन हेतु कल्लू कई वर्षों से रिक्शा चला रहा था बढ़ती महंगाई में भी जी तोड़ मेहनत करके भी वह जो थोड़ा बहुत जोड़ पाता वही लंबी बीमारी में खर्च हो जाता तो यहाँ इस कहानी में कल्लू की बात की गई है कि कल्लू एक आदमी था जो कई सालों से रिक्शा चलाता था महंगाई बहुत ज़्यादा है इसीलिए वो मेहनत करके जो कुछ भी कमाता था वह उसकी बीमारी में ही खर्च हो जाता था बीमारी में काम तो होता नहीं था ऊपर से दवा का खर्च फिर भी जैसे तैसे गाड़ी चल रही थी आज वह पंद्रह दिन की बीमारी और स्वास्थ्य लाभ की अवधि पूरी करके रिक्शा लेकर निकला था वह अपनी रिक्शा लेकर सवारी की खोज में कुछ ही दूर गया था कि सड़क पार करता हुआ एक भिखारी रिक्शा से टकराकर दूर जा पड़ा लगता था उसे काफी चोट लगी थी यानी कि एक दिन जब बीमारी से थोड़ा ठीक होने के बाद कल्लू फिर से काम की तलाश में अपना रिक्शा लेकर निकला तो जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ा एक भिखारी जो था वो उसके रिक्शा से टकराकर उसे चोट लग गई और वो थोड़ा दूर जा गिर पड़ा फुटपाथ पर किनारे रिक्शा खड़ी करके वह भिखारी के पास पहुंचा और उसे सहारा देकर उठाया परंतु टांग में लगी चोट की पीड़ा ने भिखारी को दोहरा कर दिया था कल्लू ने किसी तरह उसे रिक्शा में बैठाया और अस्पताल ले गया डॉक्टर ने पट्टी बांधी और दवा दी यानी कि जब कल्लू ने देखा कि उस भिखारी को जो है काफ़ी चोट लग गई है तब वो उसे अस्पताल ले गया और अस्पताल में डॉक्टर ने उसे दवा दी पट्टी बांधी उसका इलाज किया भिखारी बहुत कमजोर था ऊपर से चोट लग गई सो वह चलने फिरने के योग्य भी न रहा उसकी ऐसी हालत देखकर कल्लू उसे अपनी झोपड़ी में ले आया भिखारी ने उसे अपना नाम रामू बताया कई दिनों तक रामू उसकी झोपड़ी में रहा कल्लू ने दवा और भोजन की कोई कमी न होने दी इससे वह शीघ्र ही स्वस्थ हो चला गया यानी कि जब उस भिखारी को टांग में चोट लगी तो इसके बाद वो चलने फिरने के योग्य भी नहीं रहा था और उसकी ऐसी हालत देखकर कल्लू को लगा कि वही उसकी इस हालत का जिम्मेदार है इसीलिए कल्लू जो है उसे अपनी झोपड़ी में ले आया उसने उसे अच्छा भोजन खिलाया उसकी उसे दवाएं दी जिसकी वजह से वो भिखारी जल्दी ही ठीक हो गया और उसने अपना नाम रामू कल्लू को बताया आज कल्लू ने उससे पूछ ही लिया तुम्हारे घर पर कौन कौन है यह सुनकर रामू उदास हो गया कुछ क्षण चुप रहा फिर नीरज स्वर में बोला कोई नहीं मैं दुनिया में अकेला हूँ अच्छा मैं भी दुनिया में अकेला हूँ रिक्शा चलाकर पेट भरता हूँ पर तुम भीख मांगकर अपना पेट क्यों भरते हो मेहनत क्यों नहीं करते भीख मांगना तो बड़ी शर्म की बात है कल्लू ने कहा यानी कि जब वो भिखारी ठीक हो गया जिसका नाम रामू था तब एक दिन कल्लू ने उससे पूछा कि तुम्हारे घर पर कौन कौन है तो रामू ने जवाब दिया कि वो इस दुनिया में अकेला है उसके साथ कोई नहीं यह सुनकर कल्लू ने भी कहा कि मैं भी दुनिया में अकेला हूँ मैं लेकिन मैं रिक्शा चलाकर अपना पेट भरता हूँ और तुम मेहनत क्यों नहीं करते तुम भीख मांगकर अपना पेट क्यों भरते हो फिर रामू ने क्या कहा रामू ने कहा परंतु मैं क्या करूं? मैं कोई भी काम नहीं जानता न ही पढ़ा लिखा हूं। रामू ने उसी स्वर में उत्तर दिया यानी कि रामू ने कहा कि मैं कोई काम नहीं जानता ना ही मैं पढ़ा लिखा हूं, तो मैं और क्या करूं? बाद में कल्लू ने कहा कि मेहनत करने के लिए दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है पढ़ने लिखने की नहीं देखो मैं भी अनपढ़ हूँ परंतु किसी भी स्थिति में भीख नहीं मांग सकता मेहनत के बल पर ही आदमी आगे बढ़ता है भीख मांगने से नहीं कल्लू ने कहा यानी कि कल्लू ने उसे जवाब दिया कि मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूं लेकिन मैं भीख नहीं मांग सकता मैं मेहनत करके आगे बढ़ने में ही विश्वास रखता हूं इसके बाद रामू ने कहा कि बात तो तुम ठीक कह रहे हो परन्तु मुझे तो बचपन से ही भीख मांगने की आदत पड़ चुकी है मुझ जैसे आदमी को कौन काम देगा रामू बोला तो रामू ने कहा कि तुम्हारी बात तो ठीक है लेकिन मुझे तो बचपन से ही भीख मांगने की आदत है और मेरे जैसे आदमी को काम कौन देगा देखो तुम्हारा भी कोई नहीं और मेरा भी कोई नहीं दोनों ही अनाथ हैं आज से तुम और मैं दोनों भाई भाई अब ना तुम अनाथ ना मैं अनाथ ठीक है यह सुनकर रामू हर्ष से खिल उठा बोला सच तुम मुझे अपना भाई बनाओगे हाँ आज से तुम और मैं भाई भाई रहा काम तो मैं रात को रिक्शा चलाऊँगा और तुम दिन के समय चलाना कल्लू बोला तो जब कल्लू को ये पता चला कि वो दोनों ही अनाथ हैं तो उसने सोचा कि क्यों ना वे दोनों ही एक दूसरे के भाई बन जाएं कि वो जिससे दोनों में से कोई भी जो है अनाथ नहीं रहेगा और कल्लू ने रामू से बोला कि जहाँ तक काम की बात है तो उनके पास एक रिक्शा है तो दिन के समय रामू रिक्शा चलाएगा और रात के समय जो है कल्लू रिक्शा चलाएगा कल्लू ने अपनी बात जारी रखी एक आदमी की कमाई पर घर चलाएंगे और दूसरे की कमाई की बचत करेंगे बहुत से पैसे बचाकर कोई और बड़ा काम करेंगे कल्लू ने आगे कहा कि हम एक आदमी की कमाई से जो उनका घर खर्च है वो चलाएंगे और दूसरे आदमी की कमाई को बचाएंगे और जब उनके पास और ज़्यादा पैसे जुड़ जाएंगे तब उन पैसों से वो कोई बड़ा काम करेंगे अब तो रामू की खुशी का ठिकाना ना रहा उसने जीवन भर भीख मांगी थी अब तो वह वह भी दूसरों को भीख दे सकेगा उसने कल्लू का हाथ थाम लिया और बोला तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा और अब भिखारी एक मेहनती इंसान बन चुका था वह सुबह रिक्शा लेकर निकलता और दिन भर रिक्शा चलाकर जो कुछ कमाता कल्लू के हाथ पर रख देता रामू के आते ही कल्लू रिक्शा लेकर निकलता और दिन निकलने तक रिक्शा चलाता घर के काम भी दोनों मिलकर करते बड़े प्रेम से रहते हुए उनके दिन गुजरने लगे तो जैसा कि उन दोनों ने जो है डिसाइड किया था कि दिन के समय रामू रिक्शा चलाएगा और रात के समय कल्लू तो वैसे ही काम करना उन्होंने शुरू कर दिया और दोनों बहुत ही प्यार से रहने लगे और घर के जो काम थे वो दोनों भी वो दोनों मिलकर करने लगे मेहनत रंग लाई दो वर्ष की कठोर मेहनत करके उन्होंने जो पैसे जमा किए उसकी उन्होंने पुरानी टैक्सी ले ली अब दोनों बारी बारी दिन और रात टैक्सी चलाने लगे दिन गुजरने लगे और वो मेहनत से पैसे कमाते रहे उनके पास और पैसा आता गया एक दिन उन्होंने झोपड़ी बेचकर बचत के पैसे से एक छोटा पक्का मकान ले लिया मेहनत के बल पर सारे काम सरल होते चले गए यानी कि जब दोनों ने रामू और कल्लू ने मेहनत से काम करना शुरू किया तो उनके पास पैसे आने लगे और दो साल की कठोर मेहनत के बाद उन्होंने जो है जो पैसे उन्होंने जमा किए थे उन पैसों से उन्होंने एक टैक्सी ली और जिस तरह वे बारी बारी से रिक्शा चलाते थे उसी तरह अब वे बारी बारी से टैक्सी चलाने लगे अब उनके पास और पैसे आने लगे और पै, उन्हीं पैसों से उन्होंने झोपड़ी की जगह एक छोटा पक्का मकान ले लिया अब उन्होंने नई टैक्सी भी ले ली थी रोजगार मकान और स्वास्थ्य तीनों उनके पास थे रामू यह सब देखकर बोला कल्लू भैया जिंदगी इतनी खूबसूरत होती है मुझे पता न था मैंने सपने में भी न सोचा था कि तुम मेरा जीवन यूँ बदल दोगे नहीं यह सब मैं अकेला नहीं कर सकता था मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने कड़ी मेहनत में मेरा साथ दिया हमारी एकता और मेहनत के बल पर ही यह सब संभव हो पाया है कल्लू ने रामू के कंधे पर हाथ रखकर कहा यानी कि जब उन दोनों का जीवन पूरी तरह बदल गया और उनकी जिंदगी अच्छी हो गई तब रामू ने कहा कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी जो है ऐसी खूबसूरत होती है और मुझे ये नहीं पता था कि ये सब कभी मेरे साथ भी होगा तब कल्लू ने उससे कहा कि ये सब मैं अकेला नहीं कर पाता मैं तुम्हारा शुक्रगुज़ार हूँ कि तुमने कड़ी मेहनत में मेरा साथ दिया और हम दोनों ने जो आपस में अपनी एकता दिखाई है ये सब उसी का नतीजा है और ऐसा कहकर कल्लू ने जो है रामू के कंधे पर हाथ रखा और इस कहानी का जो है जो मॉरल है वो ये है कि वास्तव में मेहनत के बल पर ही असंभव कार्य संभव हो पाते हैं यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने से ही कोई भी काम संभव होता है सिर्फ बैठे रहने से या मेहनत ना करने से या सिर्फ सोचने से हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते कार्य अगर हमें अपने संपन्न करने हैं पूरे करने हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है